आप सभी को अपने YouTube चैनल A.M.S में स्वागत करता हूं। तो आज मैं ठहरा था, 2 दिन से मैं ठहरा हुआ था लेह में, और जो लेह में मैं स्टे किया था वो था अम्मा पदुम होम स्टे, जो काफ़ी अच्छा था। और वहां पे रहने का जो चार्जेस मेरे को पड़ा वो पड़ा 800 पर डे का। तो अभी मैं ये शहर से अब निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ आज डिस्किट के लिए। तो डिस्किट जाने से पहले मुझे एक पास मिलेगा जो है कि खारदुंग ला पास, तो उसे मुझे पार करते हुए जाना है। तो चलिए आज के इस दिन को शुरू करते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए, और जितना हो सकेगा मैं ज़रूर आपको अच्छे से अच्छे व्यू दिखाऊँगा। और हो सके तो काइंडली छोटे से इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कल का दिन भी काफ़ी अच्छा था, जैसे कि बताते हो 2 दिन एटलीस्ट आपको स्टे करना पड़ता है लेह में, ताकि आपकी जो बॉडी है वो इस टेम्परेचर में, इस वातावरण में अपने आप को वो एडजस्ट कर ले। तो 2 दिन मेरा हो चुका है और मैं अब निकल रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो चलते हैं अब डिस्ट्रिक्ट की ओर, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है 3 घंटा और 10 मिनट के आसपास, लेकिन मुझे पहुँचने में और कम से कम 5 घंटा 5.5 घंटा तो लगेगा ही, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे जगहों में रुकना पड़ता है, फोटोज़ लेनी पड़ती है, वीडियोज़ लेनी पड़ती है। तो ये करते हैं और ये गाँव लेवल जो है पार होना है और आगे चलना है। और यहाँ से टर्न करते हुए निद्रा वैली की ओर जाना है। एदी है भाई और मिल गया वेस्ट बंगाल से। ये देखिए यहाँ पे सारे बोर्ड दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने मंजिल की ओर। कोलकाता आपने पुरुलिया कोता है। तो हम लोग खारदुंग ला पास के लिए जा रहे हैं और रास्ते में हम लोगों को रोक दिया गया कि काफ़ी स्नोफॉल हो रही है खारदुंग ला में, जिसके कारण रास्ता को बंद कर दिया गया है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं कि अब हम लोगों को करना क्या है। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ से अब हम लोग चले जाएँगे हल्ले के लिए। हम लोग सब रुके हुए हैं यहाँ पर, डिस्कस कर रहे हैं कि करना क्या है। खारदुंग ला ऑलरेडी बंद है, बारिश भी, बर्फ़ गिर रहे हैं थोड़े थोड़े। तो ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये पूरा लेह सिटी का व्यू है। सुबह हम निकले थे खारदुंग ला के लिए, जो कि खारदुंग ला होते हुए हमें जाना था डिस्किट के लिए, मगर काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है जिसके कारण रास्ते बंद हो गए हैं। तो हमें अब उधर जाने का जो सौभाग्य है वो नहीं मिल पाएगा, मतलब हम नहीं जा पाएंगे उधर। तो अब हमने डिसाइड किया है, हम मतलब मैं और एक लड़का है वो पुरुलिया से, और एक कपल्स हैं जो कि MP से हैं लेकिन वो भी बिलोंग्स वेस्ट बंगाल से ही करते हैं। तो अभी हम 4 लोग डिसाइड किए हैं कि अब हम लोग चलते हैं यहाँ से हल्ले की ओर। हल्ले के लिए ये दोनों हैं छोटे भाई और बहन, ये MP से हैं और एक लड़का है वो पुरुलिया से। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद, ये पुरुलिया से है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद जा रहे हैं कारू। वहाँ से हम लोग तेल भरेंगे अपने गाड़ी पर और फिर आगे के लिए निकलेंगे। तो चलो, 3 किलोमीटर पैंगोंग है, 207 माहे है, 144। तो इसी रास्ते से मुझे चलना है। आप व्यू देख रहे हैं क्या मस्त है। ऊपर देखिए एक मोनेस्ट्री है, ये रास्ते बने हुए जाने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप नदी देख रहे हैं, खूबसूरत सा मस्त सा नदी। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कारू 9 किलोमीटर, उपसी 24 किलोमीटर, सरचू 226 किलोमीटर, मनाली 465 किलोमीटर। तो काफ़ी मस्त सा है। और हमारे साथ ही साथ ये नदी भी हमारे साथ ही चल रही है। ये भी वेस्ट बंगाल से ही है, WB 58। पता नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली बाकुड़ा या पुरुलिया। पुरुलिया का 56 है, ये 58 उसी आसपास के कहीं का होगा। सो फाइनली उपसी में हमने ऑलमोस्ट 20 30 35 लीटर जैसे आसपास हम पेट्रोल कैरी कर रहे हैं। ये लास्ट है, उसके बाद हमें जो पेट्रोल है पैंगोंग के बाद तांगशे में हमें मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। गाँव, ये कारू गांव के पहले, मतलब हम लोग जब लेह से आ रहे थे तो कारू से 3 किलोमीटर पहले ही पेट्रोल पंप पड़ता है। इसके बाद और कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। का वॉर मेमोरियल है, बहुत सारे आपको वॉर मेमोरियल यहाँ पे मिलते हैं। बहुत सारे बटालियंस, बहुत सारे रेजिमेंट जो है यहाँ पे डिप्लॉयड है। आपको हर एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है, सो ये सब एरिया दिखाना पॉसिबल नहीं है। जो यहाँ पे ट्रैफिक जैम है, यहाँ पे उपसी जो दिख रहा है वो 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर आगे से ही जाम लगा हुआ है। हम हटाओ दिए जाओ ना। सो यहाँ पे भी हम लोगों को रोका गया है। ये आपका परमिट वगैरह यहाँ पे चेक होगा, जो हमने ऑनलाइन बनाया था 2 दिन पहले ले से। और ये परमिट चेक होगा और हमारे गाड़ी का है ना, आई कट्टा नहीं है। जब DENZIL एटा ना देखिए ना, ये पहला चेक पोस्ट है। और इसके बाद एक और चेक पोस्ट मिलने वाला है, तो वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमने अपने गाड़ी का पेपर वगैरह दिखा दिया। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। ये दिए छे? हाँ 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 हाँ, 1 सेकंड के रखे दो। आटा धरे रखो, आटा। हाँ हाँ, सो यहाँ से देखिए रास्ता कटता है लोमा, न्यूमा, चुमथांग और हल्ले। यहाँ से 201 किलोमीटर है और उस साइड चला जाएगा मनाली के लिए। पहाड़ का व्यू कितना मस्त लग रहा है। हमारे राइट साइड से ये जो देख रहे हैं आप, रिवर बह रही है। और हमारे लेफ़्ट साइड में देखिए, बस रास्ता के ठीक ऊपर ही ऊंचा सा पहाड़ है। ये सब रास्ते काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि कभी भी पत्थर वगैरह टूट के नीचे गिर सकते हैं। तो ये सब एरिया से जितना जल्द से जल्द हो आप हम निकल जाएं तो बेटर है। मगर आपको कुछ न रास्ते में आपको ये सब मिलता ही रहेगा। ये अभी हम एक हॉट स्प्रिंग है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। ये जो हम हल्ले के लिए जा रहे थे उसी रास्ते पे है। ये देखिए, ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये देखिए पूरा गरम पानी निकल रहा है। ये से इतना गरम है कि हाथ भी नहीं ले पाएंगे इसमें। यहाँ पे था, हमने देखा, हम काफ़ी थक भी जाते हैं जब अगर नीचे या ऊपर चढ़ते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे लंच किया, दाल चावल सब्जी आमलेट। इसका चार्जेस 120 रुपये लगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से अब निकले हैं हानले के लिए। तो काफ़ी थक गया हूँ, चलिए आगे मिलता हूँ थोड़ा एनर्जी लेने के बाद। सर हानले के लिए किधर जाना पड़ेगा? हानले हानले इसी रास्ते से? हानले जाना है सर? यहाँ से 50-70 किलोमीटर है हानले। अच्छा आप लोग भी जाएंगे इधर से? रास्ता और कैसा है सर? अब यहाँ से बढ़िया ठीक है रास्ता 15-20 किलोमीटर। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। ये नदी देख रहे पास से, क्या खूबसूरत नदी बह रही है। मस्त ठंडा ठंडा पानी होगा। उस साइड देखिए पूरा बर्फ भरा हुआ है, पूरा बर्फ है। हाँ हाँ। सो ये जो चेक पोस्ट है ये है आपका लोमा बैंक चेक पोस्ट, मतलब लोमा ब्रिज से पहले जब आप हानले के लिए जाएंगे तो आपको ब्रिज के पहले ही आपका चेक पोस्ट में आपको सारा कुछ, आपका डॉक्यूमेंट, आपने जो परमिट लिया है वो सारा परमिट आपको दिखाना पड़ेगा। तो जब भी आप अगर आप आते हैं लद्दाख के लिए तो जब आप परमिट लेते हैं तो वहाँ पे सारे जगहों का नाम दिया होता है। कोशिश कीजिएगा कि हर एक जगह का नाम को आप जो बॉक्स होता है उस पर टिक करने के लिए। उस पर क्या है कि कभी भी आपको कहीं भी जाना हो या कभी मन या आपका प्लान चेंज हो गया तो आप आराम से इजली हर जगह पे आप जा सकते हैं। अच्छा पोस्टपेड अबर का अच्छा। हाँ ग्रुप नहीं है, मतलब सब इंडिविजुअली है, मतलब एक साथ चल रहे हैं। एक जन और एक गया ना बाइक वाला। हाँ पुरुलिया का 58। स्कूटी है ना? हाँ स्कूटी। तो यहाँ पे हमारा फिर से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो चेक हुआ, परमिट चेक हुआ। यहाँ सर कितना टाइम लगेगा सर? यहाँ से तो आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अच्छा 50 किलोमीटर 1 मिनट। अच्छा गाड़ी का नंबर वगैरह सारा कुछ हमने सब कुछ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया, मतलब उनको दिखाया। बुक में सर ने पूरा एंट्री कर लिया है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं हानले की ओर। थैंक यू। हम सोचा आप आरसी भी देखेगा ना क्या, इसलिए आरसी भी निकल। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। तो यहाँ पे लोमा बैंड जो ब्रिज है इसमें हम लोगों का जो परमिट है वो चेक किया गया। अब इस परमिट को रखा जाए और फिर आगे चलते हैं। लोमा बैंड ब्रिज जिसको हम पार करेंगे जल्दी जल्दी। इधर सामने से ऑफिसर आ रहे हैं। बताना जा रहा हूँ ये जो आप देख रहे हैं पूरे भेड़ बकरियाँ जो है ना, इनको सिर्फ यहाँ पे चारा, मतलब इनको यहाँ पे घास मिलता है खाने के लिए। इनका चारा यहाँ पे है, इसी के कारण लोग अपने घर से वो, तो देखिए वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, गाड़ियाँ लगी हुई है, वो अपने टेंट वगैरह लगा के यहीं पे रहते हैं ताकि इन लोगों को यहाँ से भोजन मिल पाए। और जब यहाँ पे मान लीजिए ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे जो ग्रीनरी है या यहाँ के घास ख़त्म होंगे तो फिर ये लोग यहाँ से फिर मूव करके फिर आगे चले जाएंगे जहाँ पे इनको हरियाली मिलेगी। तो इनका भी जीवन काफ़ी टफ होता है, ये काफ़ी समय तक बाहर रहते हैं, 5-5 महीने 6-6 महीने साल भर उन लोग बाहर रहते हैं और अपने साथ सारा कुछ लेके आते हैं, खाना राशन तेल सारा कुछ वो कैरी करते हैं। और प्लस संग में अपने साथ गाड़ी भी रखते हैं, इनकेस अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी या मेडिकल कुछ हुआ तो वो गाड़ी से फिर वो मूव करेंगे। तो ये है यहाँ का जनजीवन और पशुपालन, ये जो करते हैं काफ़ी टफ और काफ़ी चैलेंजेस होता है इनके लिए। কি বলছে? 5500 টাকা। হ্যাঁ 5500 টাকা বলে লে ঘুরে চলে যাও তা বলো 5500 টাকা। चलो ना भीतर चलो ना। हाँ तो हम हल्ले पहुंच चुके हैं और ये भाई गया था होम स्टे में बात करने के लिए। वाह क्या व्यू है, देखिए मस्त सा व्यू है। तो ये जो होम स्टे है इसका प्राइस है 4500 करके। हाँ एक्चुअली की बोलो तो सुनो ना हमारा एदिके कथा सुनो समस्त काज परे करबे आगे भीतरे चलो ताड़ाताड़ी अनेकगुलो लोक आसछे आबार जायगा पाबे ना पौरे पौरे देख बे चलो। सो मैंने इन लोगों को बोला कि चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं जिसके कारण फिर होम स्टे मिलना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। रूम मिलेगा सर? रूम का तो पता नहीं, मेरे ख्याल से रूम तो है नहीं है। देखो भाई 125 का है, वेस्ट बंगाल कोलकाता से आया हूँ सर। वेस्ट बंगाल। सुनो ना हाँ ये गेट है ना, गेट में बाल्टी रखी हुई है। जुले रूम होगा? रूम होगा? नहीं है। सुनो ना एक काज करो ओई लास्टे जेटा देखते पाচ্ছি না ওই দিকটা ওইদিকে চলো। नहीं এর কাছে नहीं রুমই বলছে সামনে দেখবে সব বুকই থাকবে একটু ভিতরে চলো छोटो जाएगा ना चलो चलो। चलो ना चलो ना चलो भीतर चलो भीतर। सर रूम मिलेगा सर? रूम मिलेगा? चलो सर रूम मिलेगा? रूम मिलेगा? कहाँ पे? दो रूम चाहिए, 4 लोग हैं। 2 रूम कितना करके लेगा? 1000। फोन कीजिए ना उसको। फोन कीजिए। हाँ वो कहाँ से जाएगा? ये रास्ता जाके ना। हाँ ना। हाँ वो इसमें सीधा जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है होम स्टे का? नोमेद। इधर आगे और नहीं है होम स्टे? आगे तो है तो पीछे है। नहीं बोलते है वो इकट्ठा। अच्छा चलो चलो नीचे चलो नीचे चलो। सो हम काफ़ी ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे होम स्टे के लिए मगर होम स्टे नहीं मिल रहा है क्योंकि छोटा जगह होने के कारण और काफ़ी सारे लोग आए। अब तो ये सीज़न स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे जिसके कारण जो है प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। चलिए हम फिर से आगे की जहाँ से उधर जिस साइड से हम आए थे उसी साइड की ओर चलते हैं और घूमते हैं। बोलची ना তুমি তাড়াতাড়ি যেতে পারছো তুমি তাড়াতাড়ি যাও বাদিকে দেখবে একটা নোমেড দিকে আমি যাচ্ছিলাম। হ্যাঁ 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 ওইখানে তাড়াতাড়ি যাও। হ্যাঁ रूम है रूम मिलेगा हाँ हाँ दो टो रूम मिलेगा। अच्छा लगेगा हम लोगों को, साथ में खाइए हम लोग, सबको फैमिली जैसे खाएगा। सो ये होम स्टे के ओनर है और ये मैडम है और इनसे तो आपको मैं मिला चुका हूँ जो कि MP से है बट बिलोंग्स करते हैं वेस्ट बंगाल से, कोलकाता वाली है। और ये छोटा भाई है पुरुलिया से और बेसिकली मैं आसनसोल से और कोलकाता से तो हुई। तो अभी हम लोग यहाँ पे होम स्टे में रुके हैं। हम लोग को रोटी चावल दाल सारा मिला है खाने के लिए। बहुत अच्छा है और बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है, मतलब ठंडा मतलब अभी एटलीस्ट लगता है मेरे को माइनस नहीं 2-3 डिग्री तो कम से कम है। कैसे आप लोग को यहाँ पे मतलब रहते हैं, कैसे आप लोग ठंडा के टाइम पे आप लोग सारा राशन वाशन पहले से ये कर लेते हैं ना, रख लेते हैं ना, सब कुछ रखना पड़ता है ना। अच्छा यहाँ पे बिजली कटता है क्या? कटता है ना, लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं कटना है। कब रात में तो रहता होगा पूरा, रात में भी कटता है 11 बजे तक, उसके बाद बंद हो जाता है। फिर कब आता है? फिर कल शाम को 7 बजे, उसके बीच में और नहीं आएगा। ओह शिट, थके ना ठीक है। चलिए हम लोग खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन।